हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड की। अगर आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, क्या आप ऑनलाइन बना सकते हैं या ऑफलाइन आपको बनाना होगा, कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, क्या क्या डिटेल्स हैं जो उस फॉर्म में फिल करनी होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है uidai.gov.in। इस वेबसाइट पर अगर आप आधार एनरोलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले एनरोलमेंट सेंटर जाना होगा। आप आधार कार्ड को ऑनलाइन नहीं बना सकते हैं। रीजन क्या है कि आपके आईरिस स्कैन होती है, आईज की आईरिस स्कैन होती है, फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं, आपका फोटोग्राफ होता है, तो उसके लिए आपको एनरोलमेंट सेंटर जाना होगा। एनरोलमेंट सेंटर किसी भी सीएससी सेंटर पे भी हो सकता है, किसी नज़दीक आपके आधार कार्ड सेंटर भी खोला हो सकता है, या फिर कई आपके नज़दीकी बैंक में भी होता है, पोस्ट ऑफिस में भी होता है। तो जो भी आपका नियरेस्ट एनरोलमेंट सेंटर है वहाँ पर आप जाएंगे। आपको कैसे पता करना है कि आपके नज़दीक में आधार एनरोलमेंट सेंटर कैसे है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। जब आप एनरोलमेंट सेंटर जाएंगे वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, एनरोलमेंट फॉर्म, और उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। एनरोलमेंट फॉर्म कुछ इस तरीके का या फिर इस तरीके का दिखता है। ये फॉर्म है पुराना वर्जन, जो आपको कई जगह अभी भी हो सकता है ये वाला वर्जन मिल जाए, और ये वाला हम कर देते हैं क्लोज। तो इस वाले के बारे में हम बात करेंगे कि ये आधार का एनरोलमेंट फॉर्म है, या करेक्शन आपने करवाना है या कोई भी अपडेट करवानी है तो आपको सेम ही फॉर्म फिल करना है। तो कैसे फिल करना है ये डिटेल हम देखेंगे, उससे पहले और आगे चलते हैं कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। तो उसके बाद आपको अपने डिटेल्स फिल करनी है, फॉर्म फिल करना है, और आपको जो भी आपका बायोमेट्रिक डाटा है वो आपका कैप्चर होता है। तो आपको कुछ आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ आपको लगाने होंगे। तो बेसिकली आपका कुछ इस तरीके का प्रोसेस ही होता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ चीजें हैं जो आपकी मैंडेटरी है, ये आपकी लिखी जाएंगी, ठीक है, ये आपकी जरूरी ही होंगी। इसके अलावा जो मोबाइल नंबर है और आपका ईमेल आईडी है, ये ऑप्शनल है, बट प्रेफरेंस यही रहती है कि मोबाइल नंबर को जरूर ऐड करें, क्योंकि फिर बाद में कुछ स्कीमों में आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अटैच होता है तो आपको बेनिफिट मिलता है। आप बाद में करवाएंगे, इससे बेटर है कि अभी आप करवाएं। बायोमेट्रिक डाटा की बात करें तो बायोमेट्रिक डाटा में आपका फेस स्कैन किया जाता है, आपकी दसों की दसों उंगलियां हाथ की स्कैन की जाती है, दोनों आंखों की आईरिस जो है वो स्कैन की जाती है। हालांकि अगर आपका बच्चे का बनना है तो उस केस में गार्जियन की डिटेल्स, तो ये आप देख सकते हैं, 10 फिंगरप्रिंट्स, 2 आईरिस कैप्चर, फोटोग्राफ कैप्चर, ये सब करना होता है। और चाइल्ड का करना है तो वो गार्जियन के नेम के अकॉर्डिंग बनता है। आधार कार्ड सेंटर आप जाएंगे, वहां से आपको बनवाना है। तो ये फॉर्म है, फॉर्म की बात कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आधार एनरोलमेंट करेक्शन और अपडेट फॉर्म है। तो यहाँ पे आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, यानी कि आप इंडिया में रहते हैं या आप एनआरआई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो रेजिडेंट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और नॉन रेजिडेंट है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सारा का सारा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर्स में भर रहा है, तो उस बात का आप ध्यान रखें। प्री एनरोलमेंट आई डी, ये आपको किस केस में भरनी है? प्री एनरोलमेंट आई डी आपको भरनी है यहाँ पर तब जब आप इस फॉर्म को करेक्शन में करवा रहे हो, कोई आप आधार में करेक्शन करवा रहे हो या कुछ अपडेट करवा रहे हो, उस केस में आपको ये भरनी है। प्री एनरोलमेंट आईडी नए के लिए ये जो है नहीं भरनी है, तो ये वाली आपको डिटेल्स नहीं भरनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट पे टिक किया, ये वाली डिटेल आपको नहीं भरनी है, फर्स्ट वाली नई के लिए। फिर इन केस में आपके पास यूआईडी है, आधार कार्ड नंबर है, तो जब आपके पास आधार कार्ड नंबर हम नया बनवा रहे हैं तो ये वाली डिटेल भी नहीं फिल की जाएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन और अपडेट के केस में रहेंगी। उसके बाद है बायोमेट्रिक डाटा की, आपको क्या चेंज करवाना है ये उस केस के लिए ही है। आप यहाँ पर जाएंगे, अपना फ़ोन नंबर फिल करेंगे, ठीक है, अपना मोबाइल जो है, अपना नेम कैपिटल लेटर में आप यहां पर लिखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, जो भी है आप यहां पर कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में सही से लिखें, जो आपके पैन कार्ड में हो या जो आप आईडी प्रूफ यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर लिखें। फिर उसके बाद आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी एज यहाँ पर आप लिखेंगे, या आप डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट पता है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं, या जैसे कई अभी भी
जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो आप यहाँ पे जो भी आपकी अनुमानित आय, जो भी आपकी अनुमानित एज है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, जैसे कि अपने वोटर आईडी कार्ड में भी कई बार लिखवाई होगी, किसी और डॉक्यूमेंट में आपने दी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग इसको मैच करके आप फिल कर दीजिए जितनी भी आपने लिखवाई थी। ठीक है, डिक्लेयर्ड है या वेरीफाइड है? तो वेरीफाइड तो तब होगी जब आपके पास होगा, आपको पता है कि आप कब डेट ऑफ बर्थ हुए आपकी और डॉक्यूमेंट्स में है, तो वेरीफाइड, अदरवाइज आप डिक्लेयर पे टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे अपना एड्रेस। एड्रेस में आपका नेम आएगा यहाँ पे, केयर ऑफ। केयर ऑफ में जैसे आप अपने फैमिली के साथ रहते हो तो फैमिली का नेम, तो इसी तरीके से गार्जियन है कोई तो उसका नेम यहाँ पर आएगा। उसके बाद आप हाउस नंबर यहाँ डालेंगे, स्ट्रीट नंबर यहाँ डालेंगे, लैंडमार्क, कोई भी नज़दीकी कोई ऐसी जगह, कोई मंदिर है, कोई गली है फेमस, कोई स्टोर है फेमस, कोई शॉप है तो वो आप, कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोई ऑफिस है, तो वो सब आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद एरिया या लोकेलिटी या सेक्टर आप यहाँ पर डालेंगे, विलेज सिटी आप यहाँ पर डालेंगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ फिल करेंगे, और आप किस स्टेट से हैं, राज्य से, वो फिल करेंगे। ईमेल आईडी आपके पास है तो बिल्कुल बढ़िया है, आप डालिए क्योंकि अपडेट्स आपको वहाँ पर भी आ जाती हैं। अदरवाइज मोबाइल नंबर तो सबके पास होता है, तो मोबाइल नंबर कोशिश करें कि आप मोबाइल नंबर डालें ही डालें यहाँ पर, ताकि स्टार्टिंग में ही अपडेट हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड जो है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फॉर्म को नीचे करके देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। चलिए तो यहाँ तक हो गया है आपका कंप्लीट, जो जो हमने डिटेल्स कर ली है यहाँ तक। तो इसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप फिल करेंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पर वेरिफिकेशन टाइप में देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स बेस्ड है या इंट्रोड्यूसर बेस्ड है या हेड ऑफ फैमिली बेस्ड है। अब जैसे कि आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स बेस्ड कर देंगे वेरिफिकेशन टाइप के, आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स से वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, और इंट्रोड्यूसर बेस्ड है तो इंट्रोड्यूसर, और अगर हेड ऑफ द फैमिली जैसे बच्चा है कोई, उसके हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड होंगे जो यहाँ पर, अगर इनकेस 5 साल से कम का है तो यहाँ पर आएंगे कि गार्जियन आप हस्बैंड है, वाइफ है, मदर है, फादर है, तो वो आप डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट बेस्ड में कि आपने POI यानी कि एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ के आईडी प्रूफ क्या दिया है, POA में आपने एड्रेस प्रूफ क्या दिया है, और POR में आपका HOF बेस्ड एनरोलमेंट अपडेट है, और DOB आप यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसके लिए ये आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा कि इंट्रोड्यूसर बेस्ड, इंट्रोड्यूसर है तो इंट्रोड्यूसर का यहाँ पर आधार कार्ड चाहिए, और HOF बेस्ड है यानी कि हेड ऑफ फैमिली बेस्ड है, तो आपने क्या क्या है, कौन है वो टिक करेंगे। मान लीजिए मदर है, मदर के नाम पर बन रहा है तो आप यहाँ पे मदर टिक करेंगे, उनका आधार कार्ड और उनकी यहाँ पर डिटेल डाल देंगे। फादर के बेस पर बन रहा है तो फादर की डिटेल डाल देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल से कम के बच्चे के केस में होगा। फिर आप यहाँ पर डालेंगे कि मैं कन्फर्म करता हूँ आइडेंटिटी और एड्रेस यहाँ पर है, और आप यहाँ पर साइन कर देंगे। ये साइन सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर और HOF हेड ऑफ फैमिली के केस में करना है। आपको साइन कहाँ करने हैं, आपको साइन यहाँ करने हैं, अप्लीकेंट सिग्नेचर, या फिर साइन करने नहीं आते हैं तो आपको अपना थंबप्रिंट करना है। यहाँ पे वेरीफाई करके स्टैंप और सिग्नेचर लग जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम एनरोलमेंट लग जाएगा, यहाँ पे आप सिर्फ डेट डाल दीजिए, टाइम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, जैसे कि नेम में आप अपना नेम वही डालें जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, मैंने बता दिया आपको, या जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, आइडेंटिटी प्रूफ दे रहे हैं, एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं, इसी तरीके से DOB एज के भी आपके पास प्रूफ होने चाहिए, 10th की मार्कशीट या इस तरीके से, एड्रेस के लिए भी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रिलेशनशिप आप दे रहे हैं जैसे फादर मदर का दे रहे हैं उनके लिए भी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है बच्चे का, उसके अलावा और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके चल सकते हैं, आईडी प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में, DOB अकाउंट में, तो ये सारे की सारी लिस्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। और इसके अलावा मैंने काफी सारी आधार कार्ड पर वीडियो बनाई है जहां पर आप देख सकते हैं कि आईडी प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड होते हैं आधार कार्ड के लिए, एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से वैलिड होते हैं, और इसी तरीके से अगर आपको DOB चेंज करवानी है तो कौन कौन से वैलिड होते हैं, कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी, आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये एक स्लिप मिल जाएगी, और इस स्लिप को आपको क्या करना है, इस स्लिप को आपको संभाल कर रखना है। इस तरीके से आपकी एक EID नंबर होगी जो यहाँ पर आपको लिख के दी जाएगी। ये EID नंबर आपको क्यों संभाल के रखनी है, इस EID नंबर से ही आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन, और आपको बाय पोस्ट भी आएगा, तो इसलिए ये जरूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको आधार कार्ड कैसे बनाना है। आधार कार्ड अगर आपको बनवाना है तो सबसे
सबसे पहले आपको एनरोलमेंट सेंटर देखना है, नज़दीक आपके कौन से हैं। वीडियो अलग है बनी हुई, आप आधार कार्ड की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही आप एनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। इस फॉर्म का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप फॉर्म को डाउनलोड करें, इस फॉर्म को अच्छे से घर से फिल करके ले जाएं ताकि टाइम आपका सेव हो जाए। और आप ऑनलाइन ही जब एनरोलमेंट जहां पर भी आप जा रहे हैं एनरोलमेंट सेंटर में, अगर आप वहां पर सेलेक्ट करेंगे तो आप ऑनलाइन ही अपना टोकन भी ले सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी अलग अलग वीडियोज में बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं। और आपको इस स्लिप को ध्यान से रखना है और अपने साथ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है। और अगर आप किसी बच्चे का बना रहे हैं, इंट्रोड्यूसर बेस्ड बना रहे हैं, तो उस केस में इंट्रोड्यूसर का और हेड ऑफ द फैमिली का भी आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। और जिसका आधार कार्ड बनना है उसका जाना आधार कार्ड सेंटर जरूरी है। आप किसी और का आधार कार्ड सिर्फ डॉक्यूमेंट ले जाके नहीं बनवा सकते, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इंडिया है और काफी सारी आदत होती है लोगों की कि एक बंदा जा तो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम ले जाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपका आधार कार्ड सेंटर है तो आपका आधार कार्ड बनवाना है तो आपको आधार कार्ड सेंटर जाना होगा। क्यों जाना है वो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि आपके जो फिंगरप्रिंट्स है वो स्कैन होंगे, आपका फेस स्कैन होगा, आईडी स्कैन होगा, तो ये सारे डिटेल्स। इसके बाद आपको बाय पोस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड और भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है जो आप देख सकते हैं। आपका आधार कार्ड गुम हो गया है तो आपको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीवीसी यानी कि प्लास्टिक वाला आधार कार्ड कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, डेट बर्थ, एज, नेम, एड्रेस आपको चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कौन सा मोबाइल नंबर ऐड है इसमें, या ईमेल आईडी कैसे चेंज कर सकते हैं, सारी की सारी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।